मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। और ये मेरे किचन के अंदर कौन घुस गया है? कौन है ये? तनिशी। क्या कर रहा है ये मेरी किचन के अंदर? मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए गार्लिक ब्रेड के लिए? हमें चाहिए बटर। यस, एक मिनट में नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा कैमरा फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। यस, हाँ ठीक है। तो हमें चाहिए बटर। हाँ जी। चीज। हाँ, चीज कैसा? ये तो आपका स्प्रेड चीज है ना? हाँ, मैंने चीज स्लाइसेस यूज करी है। आप अगर चीज क्यूब्स ढूंढ सकते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल वाला चीज भी ले सकते हैं, उसको ग्रेट कर लो। हाँ है ना, वो भी ले सकते हैं। और फिर हमें चाहिए थोड़ा गार्लिक, जिसको हमने क्रश कर लिया है। और हमें थोड़ा सा चाहिए सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा। और ओरिगैनो सीजनिंग्स, अगर आपके पास ओरिगैनो सीजनिंग्स नहीं है तो आप धनिया के लीव्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ। और हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, अगर आप चटपटा। हाँ, अगर आपको चटपटा खाना अच्छा लगता है। और वो भी तो काली मिर्च का भी पाउडर। हाँ, अगर आपको वो भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाँ, तविशी नहीं डालेगी काली मिर्च का पाउडर, तविशी को पसंद नहीं। और फिर है ब्रेड, ऑफ कोर्स। कौन सी वाली ब्रेड लेनी है, व्हाइट ब्राउन कैसी? मैं तो सैंडविच ब्रेड यूज करती हूँ, जो मतलब व्हाइट ब्रेड ही है। और आपकी मर्जी आपको अगर यूज करना है, पर सैंडविच ब्रेड सबसे अच्छी वर्क करेगी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर दे। हाँ ओके, आपको थोड़ा सा ही बटर डालना है इसमें। जब ये बटर मेल्ट हो जाए तो आपको गार्लिक भी ऐड करना है। ओके, तो अब हम इसे हल्का सा सॉटे करेंगे 1 मिनट तक, ताकि जो गार्लिक का कच्चापन है वो चला जाए। तो अब हम हमारा मिक्सचर बन चुका है, और अब हम इसे ब्रेड पे हम स्प्रेड करेंगे। नए नए एक्सपेरिमेंट करना इसको बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि फिर जब मतलब अच्छे से अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर बाद में मजे आएंगे उसे खाने में। और फिर हमारे पास एक न्यू डिश भी हो जाएगी जो हम बना सकते हैं। अब हमने सब कुछ मतलब ये हमारा मिक्सचर स्प्रेड हो गया है, और अब हम अपने पैन पे ब्रेड को रखेंगे। ओके, तो अब हम अपना पैन लेंगे, उस पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसका मेल्ट होने का वेट करेंगे। तो अब हमारा बटर मेल्ट हो गया है, अब हम अपनी ब्रेड स्लाइसेस को रखेंगे एक एक करके अपने पैन पे। और फिर हम चीज लेंगे, और अब हम चीज लेंगे। तो एक तरीका है, बहुत इजी तरीका चीज को ओपन करने का, जो ये चीज स्लाइस है उसके जो यहाँ पे फ्लैप होता है इसे हम ऐसे पील करेंगे, और फिर यहां से दूसरी साइड से भी हम इसे पील करेंगे। और बहुत इजी तरीका है ये चीज खोलने का। और अब हम अपने पैन को कवर करके रख देंगे। ओके, कब तक के लिए? जब तक ये चीज मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इस पैन को कवर करके रखना है, और गैस को सिम पे रखनी है। ओके, तो अब जो हमारा चीज है वो एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है, और अब हम ब्रेड की स्लाइस को प्लेट पे रखेंगे। और अब हम दूसरी ब्रेड को करेंगे। तो हमारी जो दूसरी स्लाइस है वो मेल्ट हो रही है, उसका चीज मेल्ट हो रहा है, और अगर हम देखेंगे पीछे से एकदम अच्छा क्रिस्पी ब्राउन है। और अभी हमारी एकदम चीज अच्छे से मेल्टेड है, हम एकदम मेल्टेड चीज लेना चाहते हैं, तो अभी से ही हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ये आपकी मर्जी, आपको जितना ऐड करना है। आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे को ब्लैक पेपर ज्यादा अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो मैं नहीं करूंगी। और फिर थोड़ी ओरिगैनो सीजनिंग,
जो तवीशे ने यहाँ वहाँ बहुत सारी गिरा दी है कोई बात नहीं। और अगर आपको सॉल्ट ऐड करना है आप कर सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि चीज और बटर में ऑलरेडी होता है सॉल्ट, तो मैं तो थोड़ा सा करूंगी। और ये है हमारी गार्लिक ब्रेड एकदम अच्छे से रेडी। तो ये है हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो मैंने पीसेस काट लिए, अब टेस्ट करते हैं। कितना क्रंची टेस्ट आ रहा है। एकदम गार्लिक ब्रेड का टेस्ट है। चलो मम्मा आप टेस्ट करो, छोटा सा ही लूंगी। मम्मा को ज्यादा ओरिगानो सीजनिंग नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो ये थी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी।